New Oxford Modern English Book, Class 6th, The Great Train Journey. Complete explanation in Hindi. Suraj waved to a passing train and kept waving until only the spiraling smoke remained. Suraj एक छोटा सा बच्चा है जो वेव कर रहा है, यानी बाय बाय कर रहा है एक ट्रेन को जो वहाँ से जा रही है, और वो तब तक ही उसको बाय करता रहा जब तक कि जो उसकी स्मोक, जो उसका धुआं है, ऐसे स्पैरल गोले बन के सिर्फ वहाँ बच गया, बाकी सब चला गया. He liked waving to trains. उसको ट्रेन को बाय बोलना बहुत पसंद था. He wondered about the people in them and about where they were going and what it would be like there. उसको बहुत हैरान होता था ये सोच के कि जो लोगों के बारे में जो ट्रेन में जा रहे हैं वे कहाँ जा रहे होंगे, कहाँ जा रहे थे, और what it would be like there, और उनको वहाँ क्या अच्छा लगता होगा. And when the train had passed, leaving behind only the hot, empty track, and Suraj was lonely. जब वहाँ से ट्रेन पास हो जाती थी तो पीछे क्या रह जाता था, सिर्फ गर्म एकदम एम्प्टी ट्रैक, जो जिस पर ट्रेन चलती है पटरी, उसको बोलते हैं ट्रैक, खाली ट्रैक और एकदम गर्म ट्रैक, और सूरज वहाँ अकेला खड़ा हुआ. ही वॉज अ लिटिल लोनली बॉय नाउ. वो एक बहुत छोटा सा बच्चा है, छोटा बच्चा है. हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट ही वैंडर्ड अलॉन्ग द रेलवे ट्रैक, किकिंग एट लूज पेबल्स एंड सेंडिंग देम डाउन द बैंक. अपने जेब में दोनों हाथ डाल के भटकता रहता है, वेंडरिंग यानी भटकते रहना रेलवे ट्रैक के पास, और अपने पैरों से जो छोटे छोटे पत्थर हैं, पेबल्स हैं, जो लूज हैं एकदम, जिनको किक करना पॉसिबल है, उसको किक मारता है, और वो जो पत्थर हैं वो रोल होके नीचे चले जाते हैं किनारे से. वहाँ पे जो रेलवे ट्रैक है उसके बाजू से रोल होके नीचे गिरने को बोलते हैं सेंडिंग देम डाउन द बैंक. सून देयर वर अदर ट्रैक्स, अ रेलवे साइडिंग, अ स्टेशनरी गुड्स ट्रेन. और बहुत जल्दी वहाँ पे उसके चलते चलते वो दूसरे ट्रैक्स पे पहुँच जाता है जहाँ पे रेलवे साइडिंग है और स्टेशनरी गुड्स ट्रेन, यानी जो ट्रेन है जो सामान को कैरी करती है वो स्टेशनरी गुड ट्रेन्स, खड़ी जो खड़ी है गुड्स ट्रेन, जो सामान को कैरी करने वाली ट्रेन, खड़े रहने को बोलते हैं स्टेशनरी गुड ट्रेन्स. और अभी मैं एक यहाँ पर रेलवे साइडिंग का पिक्चर दिखा रही हूँ. रेलवे साइडिंग यानी इस तरीके से जब एक ट्रेन को पटरी बदलवाने के लिए छोटी सी एक्स्ट्रा ट्रैक डली रहती है, उस तरीके को रेलवे साइडिंग्स बोला जाता है. तो ये जो रेलवे साइडिंग और स्टेशनरी गुड्स ट्रेन तक के वो पहुंच जाता है. सूरज वॉकड द लेंथ ऑफ द गुड्स ट्रेन. सूरज पूरी ट्रेन जो पूरी लंबाई जो है पैदल पैदल चलता रहा. द कैरिज डोर्स वर क्लोज्ड. कैरिज यानी जो ट्रेन कैरी करती है, जो जो ट्रेन के बॉक्सेस होते हैं जो सामान कैरी करते हैं, वो उन सभी के दरवाजे बंद थे. एज देर वर नो विंडोज़. और उनको कोई विंडोज़ भी नहीं थी, कोई खिड़कियां भी उन ट्रेन्स को नहीं होती. ही कुडंट सी इनसाइड. वो अंदर नहीं देख पा रहा था. ही लुकड अराउंड टू सी इफ ही वॉज ऑब्जर्व एंड देन सेटिस्फाइड दैट ही वॉज अलोन एंड बिगिन ट्राइंग द डोर्स. पहले उसने आजू बाजू में देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है. देन जब वो सेटिस्फाई हो गया कि वो अकेला है और उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा था, तो उसने सभी दरवाजों को खोलने की कोशिश करने लगा. ही वॉज ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द ट्रेन वैन अ कैरिएज डोर गेव वे टू हिज थर्स्ट. वो ऑलमोस्ट आखिरी तक के ट्रेन के दरवाजे को चेक कर चुका था कि कोई दरवाज़ा खुला है कि नहीं, लेकिन आखिरी में अचानक एक दरवाज़ा उसको, जो उसकी इच्छा है वो पूरी हो गई, वो दरवाज़ा खुला हुआ था. गेव वे टू हिज थर्स्ट का मतलब होता है उसकी इच्छा जो है उसके मुताबिक हो जाना. इट वॉज डार्क इन साइड द कैरेज. उसने देखा तो दरवाजा अंदर जो था कंपार्टमेंट या जो कैरेज था वो बहुत डार्क था, वहाँ अंधेरा था. सूरज स्टूड आउटसाइड इन द ब्राइट सनलाइट एंड पियरिंग इट इन टू द डार्कनेस एंड ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज बल्की शेपलेस ऑब्जेक्ट्स. सूरज बाहर खड़ा रहा ब्राइट सनलाइट में, धूप की रोशनी में, और अंदर देखने लगा अंधेरे में, और ट्राई करने लगा रिकॉग्नाइज यानी पहचानने की कोशिश करने लगा जो अंदर भारी बल्कि यानी भारी शेपलेस, जिसका शेप समझ में नहीं आ रहा था, वो ऑब्जेक्ट्स क्या थे. ही स्टेप्ड इनटू द कैरेज एंड फेल्ट अराउंड. वो उसने अंदर कैरेज में अंदर जाना गया
और वहाँ पे आजू बाजू में सब चीज़ों को महसूस करने लगा. द ऑब्जेक्ट्स वर क्रेट्स एंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वुड वर्क ही फेल्ट स्ट्रॉ. क्रेट्स मतलब लकड़ी के बने हुए बॉक्सेस. ये जो ऑब्जेक्ट्स थे वो क्रेट्स थे, लकड़ी के बने हुए बॉक्सेस थे, और उसमें जो दो लकड़ियाँ आपस में जुड़ी रहती है, वो जो दरार रहती है, दैट इज़ क्रॉस सेक्शन ऑफ वुडवर्क. वहाँ से उसने अंदर स्ट्रॉ यानी भूसा जो फ्रूट्स के साथ रहता है उसको महसूस किया. ही ओपन द डोर एंड द सन स्ट्रीम्ड इनटू द कंपार्टमेंट. वो दरवाज़ा उसने एकदम से खोल दिया और खोला हुआ दरवाज़ा, पूरा दरवाज़ा खोल लिया और सूरज की रोशनी अंदर आने लगी. ड्राइविंग आउट द मस्टी डार्कनेस. और जो अंदर एक अजीब सी डार्कनेस था, अंधेरा था, वो पूरा गायब हो गया. सूरज सेट डाउन ऑन अ पैकिंग केस एंड हिज चिन कप्ड इन द हैंड्स. सूरज जो है वो बैठ गया और वहाँ पे और अपना चिन इस तरीके से अपने हाथों को ऐसे कप बना के उसने मुंह उसमें रख दिया. चिन यानी चिन को अपने हाथों को वहाँ पे रख दिया. द स्कूल वॉज क्लोज्ड फॉर समर हॉलीडेज. जो स्कूल था वो स्कूल जो था वो समर की छुट्टियों के लिए बंद था. एंड ही हैड बीन वैंडरिंग अबाउट ऑल डे. और सारा दिन वो इधर उधर भटकता रहता था. एंड स्टिल डिड नॉट नो वॉट टू डू विथ हिमसेल्फ. वो खुद नहीं जानता था कि उसे क्या करना था. द कैरिज वॉज बेयर ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ ग्लैमर. वो जो कैरिज था, जो सामान को कैरी करने वाला जो बोगी था, वो जो जगह थी, वहाँ पर कोई ऐसे चीज़ नहीं थी जो अट्रैक्ट करे. ग्लैमर यानी उसमें कुछ अच्छा नहीं था. पासिंग ट्रेन्स फैसिनेटेड हिम. जो आजू बाजू से ट्रेन जा रही थी वो उसको बहुत अट्रैक्ट कर रही थी. मूविंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन्स, क्राउडेड ट्रेन्स, लोगों से भरी हुई ट्रेन्स, श्रीकिंग एंड पेंटिंग ट्रेन्स. श्रीकिंग यानी चिंघाड़ती हुई, चीखती हुई. पेंटिंग ट्रेन्स यानी जो ट्रेन्स के चलने का आवाज़ होता है, वो सब चीज़ें उसको बहुत फैसिनेट, बहुत अट्रैक्ट कर रहा था. But the smelly dark compartment filled him only with gloom and more loneliness. लेकिन ये जो smelly, जिसमें से स्मेल आ रही थी गंदी सी, डार्क अंधेरा भरा कंपार्टमेंट एकदम ग्लूम यानी उसको फिल कर रहा था, उसको ग्लूम से यानी उदासी से उसको भर रहा था और अकेलापन महसूस करा रहा था. He did not really look gloomy or lonely. पर उसकी तरफ देखने पर ऐसे महसूस नहीं होता था कि वो सच में ऐसे उदास या अकेला है. He looked fierce at times. कई बार वो ऐसे थोड़ा डरा हुआ सा महसूस होता था. When he glared out at the people from under his dark eyebrows. जब वो बाहर लोगों की तरफ घूर के देख रहा था अपनी डार्क आईब्रोज के नीचे से. But otherwise he usually wore a contented look. तब थोड़ा सा डरा महसूस होता था, लेकिन वैसे एक contented यानी satisfied look था उसका, एकदम satisfied लग रहा था. And no one could guess जस्ट हाउ डीप हिज थाट्स वर. और कोई उसकी तरफ देख के ये महसूस नहीं कर सकता कि थी कि उसकी कितनी डीप सोच है, सोच थी. परहैप्स ही हैड कंपनी. सम फन कुड बी हैड इन द कैरेज इफ देयर हैड बीन अ फ्रेंड विथ हिम, समवन लाइक रंजी. अगर परहैप्स यानी अगर उसके साथ कोई कंपनी, उसका कोई दोस्त होता और कुछ आप मजा करते उस कंपार्टमेंट में, उस कैरेज में, उस डब्बे में, और उस जैसे अगर उसका कोई फ्रेंड, जैसे जिस फ्रेंड का नाम था रंजी, वो होता तो उसे शायद और अच्छा लगता. ही लुक्ड एट द क्रेट्स. उसने लकड़ी से बने हुए बॉक्सेस को देखा. ही वॉज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट द थिंग्स दैट वर बॉल्टेड और नेल्ड डाउन और इन सम वे कंसील्ड फ्रॉम हिम. थिंग्स लाइक पार्सल्स, लॉक्ड रूम, कैरेज डोर्स एंड क्रेट्स. यहाँ पे सूरज के बारे में बताया गया है कि वो हमेशा क्यूरियस यानी जानना चाहता था, इच्छा रखता था, इच्छुक था उन चीज़ों के बारे में जो बंद हुआ करती हैं, जिनको खीले से ठोक के बंद किया जाता है, या कंसील यानी छुपा दिया जाता है, या बंद जो पार्सल्स अगर जो हैं जो बंद किए हुए रहें, या कोई कमरा जो है जो लॉक्ड है, ऐसे रूम या ऐसे क्रेट्स, ऐसे जो बंद लकड़ी के डब्बे जिसमें कुछ है, या दरवाजे जो बंद है उनके पीछे से क्या है, ये जानने की उसमें बहुत इच्छा रहा करती थी. He went from one crate to another and soon his perseverance was rewarded. वो एक crate से, एक डब्बे से दूसरे डब्बे डब्बे तक घूमता रहा और फिर उसका ये जो बरकरार अपने काम पे बरकरार रहने की जो क्षमता है उसका, उसको reward मिला, उसको फल मिला. The cover of one hadn't been properly nailed down. एक box का cover अच्छे से लगा हुआ नहीं था. The सूरज got his finger under the edge and raised up the lid. उस सूरज ने अपनी उंगलियाँ उसके अंदर डाली और धीरे से उस लकड़ी को ऊपर खोल दिया. Absorbed in this operation, he did not notice the slight shudder
दैट पास थ्रू द ट्रेन. ये सब करते वक्त उसमें इतना खो चुका था कि वो जान ही नहीं पाया कि कब ट्रेन के चलने का धक्का महसूस हुआ और ट्रेन चलने लगी. ही प्लंज्ड हिज हैंड इनटू द स्ट्रॉ एंड पुल्ड आउट एन एप्पल. उसने अपने हाथ को अंदर डाला उन स्ट्रॉ के बीच में, लकड़ी खोलते बराबर उसे स्ट्रॉ मिली, स्ट्रॉ के अंदर उसने हाथ को घुसाड़ दिया और वहाँ से उसने एक एप्पल निकाला. जो एप्पल था इट वॉज डार्क, वो डार्क था, रूबी रेड कलर का एप्पल था. एंड इट ले इन द उसके जो हाथ में, उसके हाथ पूरे डस्ट से भर गए थे, पाम में जो सूरज के हाथ से वो निकाल के लेके आया. वो ऐसे महसूस हो रहा था कि लाइट सम गिगेंटिक प्रेशियस स्टोन, गिगेंटिक मतलब बहुत ह्यूज, प्रेशियस यानी कीमती, स्टोन के जैसा वो एप्पल स्मूथ और राउंड था और ग्लोइंग सनलाइट में से चमक रहा था, ऐसा एप्पल वो था. सूरज लुक्ड अप आउट ऑफ द डोरवे एंड थॉट ही सॉ अ ट्री वॉकिंग पास्ट द ट्रेन. उसने वहीं से बाहर की तरफ दरवाजे की तरफ देखा, उसे महसूस हुआ कि ट्रेन, एक ट्री जो है वो चलता जा रहा था. ही ड्रॉप द एप्पल एंड स्टेयर. उसने एप्पल को वहीं गिरा दिया और बाहर देखने लगा, बाहर घूरने लगा. देयर वॉज अनदर ट्री एंड अनदर एंड ऑल वॉकिंग पास्ट द डोर विथ इंक्रीजिंग रैपिडिटी. एक के बाद एक ट्रीज जो हैं उसको पास होते जा रहे थे और धीरे धीरे उनकी स्पीड बढ़ते जा रही थी. सूरज स्टेप फॉरवर्ड. सूरज ने पैर अपना आगे किया बट लॉस्ट हिज बैलेंस. पर वो अपना बैलेंस खो दिया एंड फेल्ट ऑन हिज हैंड्स एंड नीज. और अपने घुटनों के बल और हाथों के बल गिर पड़ा. द फ्लोर बीनीथ हिम वॉज वाइब्रेटिंग. उसके जहाँ वो गिरा, जहाँ वो बैठ गया था, वो नीचे का जो फ्लोर था ट्रेन का वो हिल रहा था, वो शेक हो रहा था. द व्हील्स वर क्लैटरिंग ऑन द रेल. द फ्लोर बीनीथ हिम वॉज वाइब्रेटिंग. उसके नीचे जो जमीन थी जहाँ पे वाने रेल, जो रेल का जो डब्बा था वो हिल रहा था, वाइब्रेट हो रहा था. द व्हील्स वर क्लैटरिंग ऑन द रेल्स. जो व्हील्स थे वो दौड़ते जा रहे थे रेल्स पे यानी पटरी पे. द कैरेज वॉज स्वेइंग. और जो कैरेज जो है, जो रेल का डब्बा जैसे टू एंड फ्रो आगे पीछे हिलता है, वैसे हिलने लगा था. द ट्रीज वर रनिंग नाउ. अब ट्रीज जो हैं वो दौड़ते जा रहे थे. और स्वीपिंग पास्ट द ट्रेन्स एंड द टेलीग्राफ पोल्स जॉइन देम इन द क्रेजी रेस. और बाहर देखने पे ऐसे महसूस हो रहा था कि बाहर जो टेलीग्राफ के बहुत बड़े पोल लगे हुए रहते हैं, वो भी उन ट्रीज के साथ एक रेस लगा रहे थे. Crouching on his hands and knees, the Suraj stared out of the open door and realized that the train was moving away from his home and puffing into the unknown. अपने पैरों पे ऐसे लड़खड़ाते हुए या पैरों पे ऐसे बैठ के, नीज पे बैठ के सूरज ने बाहर स्टेयर किया, ने घूर के देखा, अपना दरवाज़ा खुला वहाँ का और बाहर देखा तो उसने रियलाइज़ किया जो ट्रेन है वो बहुत फास्ट उसके घर से बहुत दूर जा रही थी. एंड पफिंग इन टू द अननोन. और पता नहीं कहाँ जा रही थी. ही क्रैप्ड कॉशियसली टू द डोर. वो दरवाजे के सामने संभल के रेंगता हुआ आया. एंड लुक्ड आउट. और बाहर देखा. द ग्राउंड सीम टू रश अवे फ्रॉम द व्हील्स. ऐसे लग रहा था कि जो जमीन जो है उससे व्हील दौड़ते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं. ही कुडंट जम्प. वो जम्प करके भी बाहर नहीं जा सकता था. वॉज देयर ही वंडर्ड एनी वे ऑफ स्टॉपिंग द ट्रेन. और वो ये सोच रहा था और वो हैरान हो रहा था, ढूंढ रहा था कि क्या कोई तरीका है जिससे इस ट्रेन को रोका जा सके. ही लुक्ड अराउंड द कंपार्टमेंट अगेन. उसने फिर से कंपार्टमेंट के अंदर देखा तो ओनली क्रेट्स ऑफ एप्पल. सिर्फ एप्पल के बड़े बड़े लकड़ी के बॉक्सेस दिखाई दे रहे थे. ही वुड नॉट स्टार. दैट वॉज वन कंसोलेशन. एक कंसोलेशन यानी एक बात तो पक्की थी. क्या कंसोलेशन यानी बात पक्की होना कि वो भूखा नहीं रहेगा. स्टार यानी भूखा नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ एप्पल ही एप्पल थे. ही पिक्ड अप द एप्पल ही हैड ड्रॉप्ड एंड पुल्ड अ क्रेट नियरर टू द डोरवे. उसने एक एप्पल जो निकाला था, जो नीचे गिर चुका था, उसे उठाया, क्रेट को थोड़ा दरवाजे के पास आया, लेके आया. सिटिंग डाउन. और नीचे बैठ गया. ही टुक अ बाइट फ्रॉम द एप्पल एंड स्टेयर्ड आउट ऑफ द ओपन डोर. उसने एक एप्पल को काटा, एप्पल को खाया और बॉक्स के और दरवाजे के बाहर देखने लगा. ग्रीटिंग्स फ्रेंड, सेड अ वॉइस फ्रॉम बिहाइंड. एंड सूरज स्पन राउंड गिल्टीली, हिज माउथ फुल ऑफ एप्पल. किसी ने बोला बधाई हो दोस्त. ये पीछे से उसको आवाज़ आई. जो सूरज जो है वो एकदम से पलटा और एकदम गिल्टी, एकदम
गलती जैसे की उसने ऐसा उसे महसूस हो रहा था। उस वक्त उसका पूरा मुंह एप्पल से भरा हुआ था। अ डर्टी बियर्ड फेस वॉज लुकिंग आउट एट हिम। एक डर्टी यानी मैला सा बियर्ड यानी उस दाढ़ी वाला फेस उसकी तरफ से देख रहा था, पाइल्स के पीछे से उसे देख रहा था, पाइल्स ऑफ कैरेट्स जो कैरेट्स के ढेर लगे थे उसके पीछे से उसे देख रहा था। द माउथ वॉज ओपन वाइड पान स्टैंड ग्रिन, उसका जो माउथ एकदम खुला था और एकदम स्टैंड ग्रिन था। एर नमस्ते सेड सूरज एप्रीहेंसिवली, हु आर यू। सूरज को कुछ समझा नहीं, उसने उसे नमस्ते किया। सूरज ने बोला और उनसे पूछा हु आर यू, आप कौन हो। द मैन स्टेप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्रेट्स एंड कन्फ्रंटेड द बॉय, वो जो आदमी था उसने बाहर निकला क्रेट्स के पीछे से और उस बच्चे से बात करने लगा। आई विल हैव वन ऑफ दोज टू ही सेड पॉइंटिंग टू द एप्पल्स, उसने बोला ये जो एप्पल जो सूरज ने निकाले थे दो एप्पल उनकी तरफ इशारा करते हुए बोला मुझे इसमें से एक चाहिए, उसने एप्पल को पॉइंट करते हुए कहा। सूरज गेव द मैन एन एप्पल एंड स्टूड हिज ग्राउंड वाइल द कैरिज रॉक्ड ऑन द रेल्स। सूरज ने एक एप्पल उठा के उस आदमी को दिया और खुद खड़ा हो गया और उस टाइम पे वो कैरिज या कंपार्टमेंट जो है वो रेल्स पे यानी पटरी पे चल रहा था। द मैन टुक अ स्टेप फॉरवर्ड लॉस्ट हिज बैलेंस एंड सेट डाउन ऑन द फ्लोर, जो आदमी है उसने एक पैर आगे बढ़ाया पर वो अपना बैलेंस खो दिया और नीचे बैठ गया जाके जमीन पे। एंड वेयर आर यू गोइंग फ्रेंड ही आस्क्ड, हैव यू अ टिकट, उसने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। उस आदमी ने सूरज से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम्हारे पास टिकट है। नो सेट सूरज, हैव यू, सूरज ने बोला नहीं। और उसने उस आदमी से पूछा क्या आपके पास है। द मैन पुल्ड एट हिज बियर्ड एंड म्यूज्ड अपॉन द क्वेश्चन बट डिड नॉट आंसर इट, आदमी ने अपने बियर्ड पे को ऐसे थोड़ा सा खींचा, दाढ़ी को थोड़ा सा खींचा, स्माइल किया अजीब तरीके से और उस क्वेश्चन पे पर उसने कोई आंसर नहीं दिया। ही टुक अ बाइट फ्रॉम द एप्पल एंड सेड, उसने एप्पल को ऐसे काटा और बोला नो आई डोंट हैव अ टिकट, मुझे मेरे पास टिकट नहीं है। बट आई यूजली रिजर्व दिस कंपार्टमेंट फॉर माई सेल्फ, पर मैं ज़्यादा करके ये पूरे कंपार्टमेंट को अपने लिए रिजर्व करवा लेता हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव हैड कंपनी, ये पहली बार है कि मुझे इस कंपार्टमेंट में किसी का साथ मिला है। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। आर यू अ हिप्पी लाइक मी, वो एक हिप्पी था, उसने बोला क्या तुम भी एक हिप्पी हो मेरे जैसे। हिप्पी थोड़े ऐसे मनमौजी इंसान होते हैं उनके लिए बोला जाता है। आई डोंट नो सेट सूरज, उसने सूरज को कुछ समझा नहीं, उसने बोला मैं नहीं जानता, ऐसा कहा। वेयर डज द ट्रेन गो, उस सूरज ने पूछे ट्रेन कहाँ जा रही है। द स्क्रूबी टिकटलेस ट्रैवलर लुक्ड कंसर्न्ड फॉर अ मोमेंट एंड सेड वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, वो जो शैबी सा खराब सा गंदा सा आदमी था बिना टिकट वाला ट्रैवलर घूम रहा था जो उसमें, वो थोड़ी देर के लिए परेशान हुआ, कंसर्न महसूस किया उसने सूरज के लिए, फिर उससे पूछा कि तुम वेयर डू यू वॉन्ट टू गो, तुम कहाँ जाना चाहते हो। आई वॉन्ट टू गो एवरीवेयर सेट सूरज, सूरज ने बोला मैं हर जगह जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू इंग्लैंड चाइना एंड अफ्रीका एंड ग्रीनलैंड, मैं हर जगह जाना चाहता हूँ, इंग्लैंड चाइना अफ्रीका और ग्रीनलैंड, ये सूरज ने जवाब दिया। आई वॉन्ट टू गो ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया में जाना चाहता हूँ। देन यू आर ऑन द राइट ट्रेन सेट द मैन, उस आदमी ने कहा तब तो कोई बात नहीं, तुम एकदम सही ट्रेन में हो। दिस ट्रेन गोज एवरीवेयर, ये ट्रेन भी हर जगह जाती है। फर्स्ट इट विल टेक यू टू सी एंड देयर यू विल हैव टू गेट ऑन अ शिप इफ़ यू वॉन्ट टू गो टू चाइना, उस आदमी ने जवाब दिया। पहले ये ट्रेन जो है तुमको समुद्र तक लेके जाएगी, वहाँ तुमको जाके एक शिप लेनी पड़ेगी जहाँ से तुम चाइना जा सकते हो। हाउ डू आई गेट ऑन अ शिप, आज सूरज ने पूछा मैं शिप पे कैसे जा सकता हूँ।